हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को तत्काल टिकट के बारे में बताने वाला हूं कि जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो YouTube पे आपको ट्रिक्स देते हैं, तत्काल टिकट ऐसे बुक करते हैं, तत्काल टिकट वैसे बुक करते हैं, तो सो मैं भी एक ट्रिक से तत्काल टिकट कुछ दिनों से, मतलब एक दो दिनों से मैं तत्काल टिकट कन्फर्म बुक कर पा रहा हूँ। तो सोचा एक बार आप लोगों को मैं लाइव तत्काल टिकट बुक करके अपना ट्रिक्स आप लोगों को दिखाऊं, ताकि आप लोग भी समझ सके कि मैं कैसे टिकट बुक कर पा रहा हूं। तो आज भी मैं एक हावड़ा से पुरी तक का एक टिकट बुक करना चाहता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं पहले से ही 10:59 हो रहा है, मैं पहले से ही हावड़ा टू पुरी सेलेक्ट कर लिया हूं और मेरे को स्लीपर में सीट चाहिए। तो मैं पहले से हावड़ा टू पुरी का सिलेक्ट करके इसके बाद डेट वेट सिलेक्ट करके तत्काल टिकट भी मैं सिलेक्ट करके जिस ट्रेन में मैं बुकिंग करने वाला हूं, आप भी जिस ट्रेन में बुकिंग करने वाले हैं उस ट्रेन को, मतलब आप सामने स्क्रीन के पास में ला के आप वेट करिए। जैसे कि मैं वेट कर रहा हूँ, मैं हावड़ा पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में टिकट बुक करूँगा। 12837 ट्रेन नंबर है, ठीक है, जो रात को 10:40 में हावड़ा से खुलती है, 7:10 में आपको पुरी पहुँचा देते हैं। मैं इसी ट्रेन में बुकिंग करने वाला हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10:59 हो रहा है, ठीक है, तो 11:00 ही मैं स्लीपर पर क्लिक कर दूँगा। सेम इसी तरह से आप भी अपना स्क्रीन पे वेट करिएगा, मतलब स्क्रीन चाहे लैपटॉप से बुक करें चाहे आप मोबाइल से बुक करें। तो मैं मोबाइल से बुकिंग करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि 11:00 है, मैं स्लीपर में क्लिक कर चुका हूँ, ठीक है। स्लीपर पर क्लिक करते ही आप देख रहे हैं एबिलिटी सर्च शो हो रहा है, जो कि 11:00 या 10:00 टिकट बुकिंग के दौरान आपको इस टाइप का देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि आज मैं इस ट्रिक से तत्काल टिकट बुक कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रिक बहुत ही ईजी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 96 सीट अवेलेबल दिखा रहा है, मैं उस पर क्लिक कर चुका हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट जो आएगा वो पैसेंजर ऐड करने के लिए ऑप्शन आता है, ठीक है। तो अभी 11:01 हो चुका है, मैं 96 सीट पे मैं क्लिक कर चुका हूँ। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फेटिंग मास्टर पैसेंजर लिस्ट, मैं पहले से पैसेंजरों का नाम ऐड करके रख चुका था, ठीक है। तो मैं आज 4 टिकट बुक करने वाला हूँ स्लीपर क्लास में, ठीक है। तो मैं पैसेंजरों का नाम पहले से ऑलरेडी 4 पैसेंजर का नाम ऑलरेडी मास्टर लिस्ट में मैं ऐड करके रख लिया हूँ। आप लोग भी मास्टर लिस्ट में ऐड करके रख लीजिएगा, ताकि टिकट बुकिंग के समय आप लोगों को आसानी हो पैसेंजर ऐड करने। जैसे कि मैं पैसेंजर का नाम ऐड कर चुका हूँ, इसके बाद मैं ट्रेवल्स इंश्योरेंस को नो कर चुका हूँ, इसके बाद मैं भीम UPI से पेमेंट करूँगा। भीम UPI सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट कर चुका हूँ, कंटिन्यू कर दिया हूँ, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से टिकट बुकिंग कर सकते हैं। मैं 2-3 दिनों से मैं टिकट बुक कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं सोचा कि एक बार आप लोगों को इस ट्रिक से एक बार टिकट बुक करके दिखाते हैं, बुकिंग हो पाता है कि नहीं। फिलहाल मेरे को भी पता नहीं टिकट बुक होगा कि नहीं, लेकिन देखिए कोशिश करते हैं बुकिंग करने का। तो नेक्स्ट हो चुका है, कैप्चा भी मैं फिल कर लिया। कैप्चा फिल करने के बाद मैं नेक्स्ट कर दिया हूँ, ठीक है। 4 पैसेंजर का नाम मैं ऐड कर चुका हूँ। ऐड करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 11:03 हो रहा है, ठीक है। देखते हैं आज सीट कंफर्म हो रहा है कि नहीं। देखिए इसके बाद मेरा पेमेंट खुल गया, इसके बाद मैं भीम UPI से पेमेंट करूंगा, ठीक है। भीम UPI से मैं एनी टाइम पेमेंट करते रहता हूं, ठीक है, वो चाहे QR कोड से स्कैनिंग करके या भीम UPI की जो नंबर होता है @YBL Paytm, उससे आप इजीली टिकट बुक कर सकते हैं। वैसे ही मैं बुकिंग करने वाला हूं, आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूं। तो जैसे कि मेरा देख रहे नेक्स्ट पेमेंट इंटरफेस आ चुका है, मैं अपना YBL जो भी है उसको सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करके इसके बाद नेक्स्ट कर दिया। मैं इसी फ़ोन से, मतलब फ़ोनपे से पेमेंट करने वाला हूं। सेम इसी फ़ोन से मैं टिकट भी बुकिंग कर रहा हूं, इसी फ़ोन से मैं फ़ोनपे से पेमेंट भी करूंगा। देखिए एक ही फ़ोन से मैं एक ही मोबाइल में मैं पेमेंट भी कर रहा हूं, फ़ोनपे से मैं पेमेंट कर दे रहा हूं बैंक से। इसके बाद मैं पेमेंट कर दिया हूँ, ठीक है, सक्सेसफुली मेरा पेमेंट हो चुका है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम जाकर अपना IRCTC का ऐप में देखते हैं मेरा बुकिंग हुआ कि नहीं, ठीक है। देखिए सब लोग 2 फ़ोन से यूज़ करते हैं, कोई लैपटॉप से कोई कंप्यूटर जैसे भी करते हैं, लेकिन मैं एक ही फ़ोन से पेमेंट कर रहा हूँ और एक ही फ़ोन से आपको टिकट बुकिंग करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि देख पा रहे हैं कि 11:05 हो चुका है, मेरा पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं टिकट हमको कंफर्म मिलता है या नहीं। प्रोसेसिंग पेमेंट्स, अभी मेरा पेमेंट डेबिट हो चुका है, IRCTC की तरफ से अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा स्लीपर में सीट कंफर्म हो चुका है, ठीक है। तत्काल कोटा से स्लीपर में 27 का डेट में मेरा सीट कंफर्म हो गया है। मेरा जो सीट नंबर है S8 में 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर और 8 नंबर। सिर्फ इसी ट्रिक से आप भी इजीली टिकट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बैक में जाकर कि मेरा जो जिस ट्रेन में मैं टिकट बुक किया हूँ उसमें मेरा टिकट बुक होने के बाद कितना वेटिंग लिस्ट गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हावड़ा पुरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में मैं टिकट बुकिंग किया हूँ, तो इसी ट्रेन में मैं स्लीपर क्लास में बुक किया, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कितना वेटिंग चला गया। देखिए मेरा टिकट बुक होते ही इसमें 40 वेटिंग लिस्ट तक चला गया, ठीक है। देख पा रहे आप 40, मतलब दिखा रहा है कल का डेट में 27 मई 40 टू वेटिंग जा चुका है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कितना फास्ट बुकिंग हो पा रहा है, कि मतलब 11:06 में जैसे ही मेरा सीट कंफर्म हुआ वैसे ही 40 टू वेटिंग लिंक चला गया। तो
ये मेरा जो ट्रिक मैं जो आप लोगों को बताया बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी ट्रिक है। इस ट्रिक से आप भी इजीली टिकट बुकिंग कर सकते हैं। मेरा जो ट्रिक है मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। मेरा जो ट्रिक है वो सिंपली आप जिस डेस्टिनेशन से जिस बोर्डिंग स्टेशन से जिस डेस्टिनेशन स्टेशन पर जाना चाहते हैं उस स्टेशन को पहले से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप डेट सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद अपना कोटा सेलेक्ट कर लेना है। कोटा सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करके आप जिस ट्रेन में बुकिंग करना चाहते हैं उस ट्रेन के पास जाके आपको वेट करना है। जैसे ही 11 बजे का वैसे ही आप स्लीपर पर क्लिक करके आप अपना नेक्स्ट टिकट बुकिंग कर सकते हैं। सेम वैसे ही मैं इस वीडियो में वैसे ही टिकट बुकिंग करके आपको लाइव दिखाया हूँ, ठीक है। तो सो आई होप कि आप सभी को हमारा यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, यह जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।